नमस्कार दोस्तों, चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी खबर दिखाने के लिए हम आपको केजीएमयू आज ले आए हैं। यहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज 4 नए लोकार्पण किए हैं, जिसमें एलजी का भी बहुत बड़ा सहयोग है। उन्होंने सीएसआर फंड से चिल्ड्रन वार्ड के लिए 75 बेड्स की व्यवस्था करी और कुछ मशीनें भी उन्होंने दी हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि आज सुरेश कुमार खन्ना ने जो 4 चीजों का लोकार्पण किया है वो पब्लिक के लिए कितनी अहम होंगी। इसमें खदरा में एक ट्रांजिट नर्सेस हॉस्टल है, जिसमें डॉक्टर्स के लिए और नर्सेस के लिए जितना भी केजीएमयू में है उनके लिए रहने की व्यवस्था हो गई, फ्लैट्स बनके तैयार हो गए हैं। इससे क्या होगा कि 24 घंटे जो नर्सिंग की या इमरजेंसी की जो सुविधा है वो निर्बाध रूप से चलती रहेगी। उसके साथ साथ एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी सेंटर अब केजीएमयू में खुल गया है। ये उत्तर प्रदेश का पहला है, क्योंकि इससे पहले जाना पड़ता था, हमें मदुरई या साउथ की तरफ जाना पड़ता था। खास तौर से जो डायबिटिक के मरीज है जिनको रेटिना की और आंखों की दिक्कत होती है, उनके लिए तो वरदान के जैसा हो गया। वहीं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट यानी बाल रोग विभाग में, जैसे कि हमने आपको बताया कि एलजी ने 75 बिस्तर दिए हैं, उसके साथ साथ और भी कुछ इक्विपमेंट्स हैं, वहां भी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। वहीं आपको याद होगा कि 2018 में ट्रॉमा सेंटर में आग लगी थी और भगदड़ के कारण कितना नुकसान हुआ था। तो चूंकि भाजपा के कार्यकाल का ही, इसी सरकार के कार्यकाल की एक घटना थी, तो सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि हमने खुद इनिशिएटिव लेते हुए दोबारा ऐसी घटना ना हो, ट्रामा सेंटर में एक अलग से फायर एस्केप तैयार कर दिया गया है, जिससे कि अब कोई दुर्घटना हो तो वहां से बचने के लिए ट्रॉली भी जा सकती है, स्ट्रेचर भी जा सकते हैं और आसानी से निकला जा सकता है। फिर हमने बात करी एलजी के संजय चितकारा जी से, जो सेल्स हेड हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के। उन्होंने बताया कि कोरोना से लड़ने के लिए हमने बहुत पहले ही सरकार को ऑफर किया था और प्रदेश में 4 जगह हम पहले से ही इस तरीके का दान कर चुके हैं। आज इस मौके पर केजीएमयू के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल पुरी, उनके साथ में आलोक कुमार आईएएस जो कि प्रमुख सचिव हैं चिकित्सा शिक्षा के, वो मौजूद थे। उनसे भी हम बात करेंगे और मंत्री जी ने एक जो सबसे अच्छी बात कही कि चिकित्सकों को संवेदनशील होना पड़ेगा। आइए देखते हैं पुरी। हम दिल से आपका सर बहुत अभिनंदन करते हैं, हम आपका आभार प्रकट करते हैं। मुझे ये आज जरूर बोलूंगा कि माननीय मंत्री जी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इस टाइम पे ये ऐसा टाइम है साल का, इस दौर का, जब बहुत बहुत बिजी हैं। मुझे मालूम है, चाहे वो इलेक्शन की बात हो, चाहे वो बजट सेशन की बात हो, चाहे वो विधानसभा की बात हो, एंड जगह जगह पे उनका जाना, उनका होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बावजूद उन्होंने समझा, ये देखा कि ये केजीएमयू में आम आदमी के पेशेंट केयर के मामले में जो बढ़ोतरी आनी है, जिसकी इन्होंने बहुत कुछ ऐसे इतने टाइम से कोशिश करी है। या तो निजी या सरकारी मेडिकल कॉलेज की कम से कम एक मेडिकल कॉलेज उपलब्ध है, और जो रिमेनिंग 16 है उसमें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के माध्यम से हम लोग, वी हैव ऑलरेडी इन्वाइटेड द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कई एप्लीकेशन आ गई हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ 2-3 सालों में वी शुड बी एबल टू सैचुरेट एवरी डिस्ट्रिक्ट विद एटलीस्ट 1 मेडिकल कॉलेज। संवेदनशीलता आजादी के लोगों ने जो सोचा होगा, आप कल्पना करिए कि उनके सामने तो केवल एक ही लक्ष्य था कि आने वाली पीढ़ी खुली हवा में सांस ले, आने वाली पीढ़ी की जिंदगी आसान हो, आने वाली पीढ़ी बेहतर तरीके से जीवन जिए। उनको क्या मिला? जो लोग कुर्बान होकर चले गए, बलिदान होकर चले गए, सैकड़ों हजारों लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और वो चले गए। मैंने उन लोगों के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या नाम उन लोगों के साथ दिए, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। इसी साथ फंड से उन्होंने मेडिकल कॉलेज को ये दान स्वरूप उपलब्ध कराए। रेटिनोपैथी का इलाज हम चाहते थे बहुत दिनों से कि हमारे मेडिकल कॉलेज में हो, उससे संबंधित पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को अंतिम चरण तक पहुंचाया। सर,
सर आज एलजी जो है यहाँ मेडिकल कॉलेज में 75 बेड्स दे रहा है, किस तरीके का ये इनिशिएटिव है? ये जब सेकंड वेव आई थी तो वो एक हम सब लोगों के लिए एक वार्निंग सिग्नल था, और इस टाइम हमने ये रियलाइज़ किया कि हमें कुछ पहल करनी चाहिए जिसमें हम गवर्नमेंट के साथ मिलके पर्टिकुलरली नॉन मेट्रो सिटीज़ में मेडिकल फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करने में हम अपना सहयोग दें, और इसी डायरेक्शन में हमने 9 हॉस्पिटल्स आइडेंटिफाई किए और वहाँ पे हमने ये डोनेशंस दिए। आज हम लखनऊ में KGMGU में आए हुए हैं और यहाँ पे हम 75 बेड्स की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जिसमें 15 बेड्स मोबाइल बेड्स हैं और उसके अलावा बाकी नॉर्मल बेड्स हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, काफ़ी सारी यहाँ पे हम मशीनरीज और फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं। और ये एक प्रिकॉशन है कि हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, और ये इस डायरेक्शन में हमारा एक पहल है।